बिसमिली अलक आज हम बना रहे हैं काठियावाड़ी चना चाट ये चना चाट इतना मज़े का होता है कि आप एक दफ़े से खाएंगे तो बाकी तमाम चना चाट को खाना भूल जाएंगे और हमेशा यही बनाना पसंद करेंगे तो चलें इसे बनाते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे दबा दें काठियावाड़ी चाट बनाने के लिए हमें सफ़ेद चने चाहिए आधा किलो और इसे हमें भिगा लेना है भिगाने के लिए चनेओं में इतना पानी डालें कि चने अच्छी तरह डूब जाएँ और इसमें फिर आधा टी स्पून हम बेकिंग सोडा डालकर इसे भिगने के लिए रखेंगे दो से तीन घंटे कम अज़ कम या ओवरनाइट आप रखें तो बहुत ही बेहतरीन है और इस तरह आप जो है ये हमारे चने जो हैं वो अच्छे है फूल जाएंगे तो जब चने फूल जाएं तो इसका पानी फेंक दें और फ्रेश पानी से इसे एक दफ़ा धो लें इसे किसी भी पॉट में बनाया जा सकता है यह हम कुकर में बना रहे हैं ताकि हमारे चने जो हैं वो जल्दी गल जाएं तो कुकर में हमने डाला ये साफ़ किए हुए चने और फ्रेश पानी से हमने इसे अच्छी तरह धो लिया है चने डालने के बाद हमने इसमें डाला है पाँच कप पानी या इतना पानी डालें कि हमारे चने इसमें अच्छी तरह गल भी जाएँ और थोड़ा पानी इसमें बच भी जाए तो थोड़ा पानी इसमें बचा लेना है हमें तो यह हमने पाँच कप पानी डाला फिर इसमें हमने डेढ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला एक टीस्पून हल्दी पाउडर डाला हसबे जायका नमक डाला अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसका लिड लगा कर कुकर का लिड लगाएं और इसका वेट रखें और अब हमें इसे प्रेशर देना है तकरीबन पंद्रह बीस मिनट तो पंद्रह बीस मिनट तक के लिए इसे प्रेशर दें जब तक हमारे चने गलते हैं हम इसके लिए चटनी तैयार कर लेते हैं चटनी बनाने के लिए हमने लिया है आधी गड्डी पुदीना एक गड्डी धनिया और पाँच छः हमने ली हैं हरी मिर्चें एक टेबल स्पून हमने लिया है ज़ीरा और इसमें जाएगा दो लीम का रस और हसबका नमक तो इन तमाम चीज़ों को डाल के आपको अच्छी तरह से पीस लेना है यहाँ चटनी हमारी तैयार हो गई अब हम इसके लिए मसाला बनाएंगे काठियावाड़ी चैनल के लिए अपना इसका चाट मसाला तैयार होता है तो इसके लिए हमने लिया है चार पाँच लाल मिर्चें और साबुत काली मिर्च ली हैं हमने एक टी स्पून और लिया है हमने एक टेबल स्पून धनिया एक टेबल स्पून ज़ीरा और इसमें डालेंगे हसबका नमक और तमाम चीज़ों को पहले थोड़ा भून लेंगे भूनने के बाद हम इसे अच्छी तरह पीस लेंगे ये हमारा मसाला तैयार हो गया है इसे हमें चने पे डालना है अपने चना चाट पे तो मसाला तैयार हो गया अब 20 मिनट के बाद हमने कुकर बंद किया इसका प्रेशर रिलीज़ किया ढकना खोला तो हमारे चने अच्छे खासे गल चुके हैं पानी भी इसमें बच गया है जो कि हमें बचा लेना था अब हम इसमें अपना तैयार किया हुआ चाट मसाला डालेंगे या हमने एक से डेढ़ टेबल स्पून चाट मसाला डाला आप अपनी मर्जी के अपने पसंद के मुताबिक डाल लें अब हमें क्या करना है कि दो टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेना है और तीन टेबल स्पून पानी में अच्छी तरह उसे हल करके इस चना चाट में डाल देना है चना चाट में इस कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर डालें अच्छी तरह उसे पका लें ताकि ये जो हमारा चना चाट है वो गाढ़ा हो जाए यहाँ चना चाट जो है वो बिल्कुल तैयार है तो काठिया काठियावाड़ी चना चाट तैयार हो चुका है अब इसे हमें प्यालों में डाल कर पेश करना है इस तरह से पेश किया जाता है कि पहले आप ये चने जो हमने तैयार किए हैं वो डालें इसके ऊपर हमने आलू डाला है आलू को इस तरह बॉईल करें कि उसमें जर्दे का रंग डालकर कर इसे अच्छी तरह बॉईल कर लें नरम इसे बॉईल करना है आलू को और फिर इसको छोटे टुकड़ों में काट के इसके ऊपर डालें अब हम इस पर डालेंगे चॉप की हुई प्याज टमाटर बहुत छोटे पीसेस में करके डालें और जो टमाटर का जो बीज है, टमाटर के जो बीज होते हैं और इसका जो जूसी पार्ट होता है उसे अलग कर लें तो ये हमने चॉप करके डाला टमाटर हमने डाली हरी चटनी और इस पर हम डालेंगे थोड़ा मसाला भी और खटाई के तौर पर सिरका डाला जाता है वाली चना चाट पे तो सिरका डालें हर प्याले में तकरीबन एक टेबल स्पून या हसबका और उसके ऊपर हमने डाली अच्छी खासी पापड़ी और हम इसमें थोड़ा सा हरा मसाला छिड़केंगे धनिया वगैरह हमारी मज़ेदार चना चाट जो है काठियावाड़ी चना चाट बिल्कुल तैयार है इसे मज़े से खाएं और इतने मज़ेदार ये चना चाट है कि आप एक दफ़ा खाएंगे तो फिर हमेशा बार बार इसी को बनाना पसंद करेंगे तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से चने चाट को और ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी तो ज़रूर अपने घर में बनाएं अपने घर वालों को भी खिलाएं ख़ुद भी खाएं और हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़